और अब देख सकते हैं अंकल जी का बाइक है, लेकिन काका सत्य काका तो आज के बढ़ते नहीं अनेक दूर थे। सो हे गाइस, आप सब कैसे हो? आपके बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज जा रहे हैं बदम वाला अंकल जी से मिलने, और पता नहीं घर पे है कि नहीं। और अभी बज रहे सुबह के 4:30 बज रहा है, अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। ठीक है, तो चलो आपके साथ मिलते हैं स्टेशन में। तो चलो सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ पाकुड़, और आप देख सकते हैं पाकुड़। और यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, मेरा ट्रेन है अभी 6 बजे, ट्रेन है अभी, ट्रेन नहीं आया है। ठीक है, अभी लेट है 10-15 मिनट और भाई आ जाएगा। चलो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ रामपुर हाट, और हमको अभी दुबराजपुर के लिए हमको बांस पकड़ना है। ठीक है, और मेरे साथ है मुफक्कर और हजरत अली है, और इधर मतलब बहुत खुश है। ठीक है तो चलो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको पूरा रास्ता बताने वाले हैं, कहाँ से गुजरना, कहाँ से निकलना आपको। तो चलो ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। तो चलो हेलो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ बांस स्टैंड, और ये आपको दिख रहा है पीला वाला बांस, इसी में जाएंगे दुबराजपुर। तो चलो तो हेलो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं देवराजपुर, और देवराजपुर से अंकल जी का घर जाने में हमको मतलब 15 किलोमीटर की हमको दूरी तय करना होगा। तो चलो चलते हैं, पता नहीं घर पे है कि नहीं। ठीक है, और तो चलो हेलो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ बदम वाला अंकल जी का घर, और अभी अंकल जी बोल रहे हैं घर पे नहीं है। ठीक है, आज ही सुबह 8 बजे मतलब कलकत्ता निकल गए हैं, तो मतलब बहुत दूर से तो आए थे। अभी अंकल जी का बड़े भैया उससे थोड़ा बात करेंगे, वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब हिंदी में शायद बात नहीं कर पाएगा, उन लोग सर बंगाली में बात करेंगे। ठीक है, और आप पीछे देख सकते हैं अंकल जी का घर है, पूरा दिखा रहे हैं। ठीक है, और आज ही सुबह 8 बजे मतलब कलकत्ता निकल गई है, तो आंटी जी और आंटी मतलब बड़े भैया से बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अंकल से बात करते हैं। अभी अंकल जी का घर का अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो घर का अंदर दिखाते हैं आपको, और कुछ इस तरह दिखता है। ये रहा अंकल जी का घर, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज अंकल जी घर पे नहीं है। और अब देख सकते हैं अंकल जी का बाइक है, लेकिन अंकल जी नहीं घर पे नहीं है। ठीक है, आज कलकत्ता चला गया सुबह सुबह 8 बजे, और बाइक यहाँ पे है, और अभी ये घर है, और ये वाला घर है। ठीक है, जान चुके हैं कि आज घर पे नहीं है अंकल जी, लेकिन अंकल जी के बड़े भैया है, उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो पूछ रहे हम कि काका कोथा है आज के? कोलकाता है। कोलकाता, तो आज के क्वार्टर दिखे कैसे? 6:45। तो कब आसबे? की बोल रहे छी, तू टाइम दी जाले ना? ओ अच्छा, टाइम दी जाले। हमरा ता के কাকিমা কি বলছে এখানে এত লোক আপনার বাড়ি দেখা করতে আসছে কাকার সাথে, কাকা তো আজকে বাড়িতে নাই, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছিলাম, তো কিছু করার নাই, আর পরে আসবো। ঠিক আছে, তো ভালো লাগছে, আপনাকে কেমন লাগছে? আপনি ভালো আছেন তো? একদম আচ্ছা, ঠিক আছে, এতটুকু বললাম কাকা আজকে বাড়িতে নাই। ঠিক আছে, আর আমরা পরে আসবো, আর আপনাকে ভিডিওটা দেওয়ার চেষ্টা করবো ভালোভাবে। ঠিক আছে, কাকার সাথে, কাকা তো আজকে নাই, কাকা বড় ভাইয়ের সাথে কথা বললাম, তো শুনতে তো পেলেন কি বললে বাড়িতে আজকে নাই। ঠিক আছে, अंकल जी तो घर पे है नहीं, क्या करे, थोड़ा माइन से आपको दिखा देगा, और कुछ कर किया नहीं जा सकते अभी, मतलब बोल रहे 2-4 दिन के बाद आएंगे। तो चलो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।
तो कल हम लोग गए थे अंकल जी का घर, तो घर जाके पता चला कि अंकल जी घर पे नहीं है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि अंकल जी से मिलने जाएंगे तो आप लोग भी मेरे जैसे गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो मिडडे में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां पे कॉल कीजिए, आप लोग कॉन्टेक्ट करके जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए ठीक है।